नेक्स्ट, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? मेड़ता नागौर में, नागौर के मेड़ता सिटी में कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? सांझी बनाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पाना। कागज पर उकेरे गए चित्रों को राजस्थान में पाना कहते हैं। नेक्स्ट है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती? झालावाड़ में बोली जाती है क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र है। बारा, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र यहाँ पे भी बोली जाती है। कोटा भी हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन टोंक जो है हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। टोंक में जो है हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती। बाकी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो है ये हाड़ौती क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? कजली तीज उत्सव। कजली तीज उत्सव जो है बूंदी में मनाया जाता है, और ये काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। कजली तीज का आयोजन महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? बूंदी में, या फिर कजली तीज कहाँ की फेमस है? बूंदी की। वैसे तीज की जो सवारी है जयपुर में निकाली जाती है, तीज का सबसे बड़ा मेला जयपुर में ही भरता है, लेकिन कजली तीज की बात हो रही है, कजली तीज उत्सव की बात हो रही है, तो यहाँ पे बूंदी जिले में मनाया जाता है कजली तीज उत्सव। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर है? सिरोही जिले में। राजस्थान के सिरोही जिले में दिलवाड़ा के जैन मंदिर है और काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के? राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? तो जैन धर्म के अनुयायियों का ये धार्मिक स्थल है, जैनियों का या जैन धर्म के अनुयायियों का। और दिलवाड़ा के जो ये मंदिर है, जैन मंदिर है, कहाँ पे स्थित है? सिरोही में। नेक्स्ट है, कुलदेवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? मेवाड़ में, मेवाड़ क्षेत्र में की जाती है कुलदेवी बाण माता की आराधना। नेक्स्ट है, एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में है और यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर जिले में। बेणेश्वर मेला जो है राजस्थान में प्रसिद्ध आदिवासी मेला है जो डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। और बेणेश्वर धाम का है सोम बनास और जाखम नदियों के संगम पर। नेक्स्ट, धर्म का सर्वमान्य अर्थ है? तो धर्म का सर्वमान्य अर्थ है जो धारण किया जाए। धर्म के एक से अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो जिसको मान्यता मिली हुई है, इन द सेंस सर्वमान्य जो अर्थ है वो होता है जो धारण किया जाए। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, राजस्थान में धार्मिकता की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक रही है, इसका कारण है? राजस्थान में जो है धार्मिकता की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंस, ये काफ़ी अपेक्षाकृत अधिक रही है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है राज्य की संस्कृति में ही धर्म का पुट होना। राजस्थान की संस्कृति के अंदर ही क्या है? धर्म जो है शामिल है, रमा हुआ है, तो इस कारण राजस्थान में धार्मिकता की प्रवृत्ति जो है अपेक्षाकृत अधिक रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राजस्थान में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में है? तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किस धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान में प्राचीन काल में अधिक हुआ? कौन से धर्म का प्रचार प्रसार जो है राजस्थान में प्राचीन काल में अधिक हुआ? तो वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ था सबसे अधिक।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्न में से राजस्थान में सीईओ का पवित्र स्थल है। ऑप्शन ए अजमेर शरीफ, बी तारागढ़, सी मेहंदीपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में सीईओ का पवित्र स्थल जो है तारागढ़ है। यहाँ पर कुछ जो है बच्चे कंफ्यूज होकर अजमेर शरीफ कर सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। सीईओ का पवित्र स्थल जो है राजस्थान में तारागढ़ है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस स्थान पर बौद्ध चैतालियों के अवशेष मिलते हैं? तो बैराट जयपुर में जो है बौद्ध चैतालियों के अवशेष मिलते हैं। जयपुर के बैराट में जो है बौद्ध चैतालियों के अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के रामानुजाचार्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे राजस्थान के रामानुजाचार्य। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गोसुंडी लेक से या गोसुंडी अभिलेख से जो है राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन आर्यस प्री 2013 में आ चुका है। निम्न में से कौन मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं? तो मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव एकलिंगेश्वर माने जाते हैं, और एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, किशोरपुरी में। एकलिंग जी का मंदिर जो है किशोरपुरी उदयपुर में है, और मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव जो है एकलिंगेश्वर माने जाते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का कौन सा राजघराना जो है सेव मत को मानने वाला था? तो मेवाड़ उदयपुर, यह राजघराना जो था सेव मत को मानने वाला था। राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। कॉमन क्वेश्चन है। राजस्थान में निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दरगाह शरीफ है? तो दरगाह शरीफ भी अजमेर जिले में है, 2.5 दिन का झोंपड़ा भी अजमेर में ही है। राजस्थान के किस जिले में ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या सबसे अधिक है? तो अजमेर जिला जो है राजस्थान का, इसमें ईसाई धर्मावलंबियों मतलब ईसाई धर्म को मानने वालों जो लोग हैं इनकी संख्या सबसे अधिक है। राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है नाथद्वारा। राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल नाथद्वारा है। नाथद्वारा है कहाँ पे? राजसमंद में। देखिए, ये कांकरोली भी राजसमंद में ही है, और कांकरोली इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी कांकरोली जो है ये आया है, तो इसीलिए फैक्ट पर ध्यान देते हैं कि टायर ट्यूब जो फैक्ट्री है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर वाइड काफ़ी उच्च लेवल पर जो है कांकरोली राजसमंद में ही ये कार्य किया जाता है टायर ट्यूब फैक्ट्री का, सॉरी टायर ट्यूब बनाने का। राजस्थान की भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो रामानुज संप्रदाय की पीठ है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट है, राजस्थान में संत पिपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन था तपस्या। संत पिपा जी के अनुसार जो है मोक्ष का प्रमुख साधन तपस्या था। नेक्स्ट है, वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु जीवन की आहुति दी? तो तेजाजी जो है वो ऐसे लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़ाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, आहुति दी थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जैसलमेर के नरेश देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो स्वांग्या माता जो है, स्वांग्या देवी, इनकी पूजा की जाती है जैसलमेर के नरेशों के द्वारा कुल देवी के रूप में। नेक्स्ट, राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? विश्नोई, विश्नोई इन द सेंस 20+9, तो इसलिए विश्नोई कहलाए। और राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा जो प्रतिपादित 29 नियमों का जो पालन करते हैं इनके अनुयायी जो उन्हें कहा जाता है विश्नोई।
और देखिए ये जो शब्द उत्पन्न हुआ है विश्नोई, ये 20+9, 20+9 तो 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी जो जम्बुजी के हैं विश्नोई कहलाते हैं। नेक्स्ट है टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। नेक्स्ट है राजस्थान में कछवाहा राजवंश की जो आराध्य देवी थी कौन थी? शिला देवी। कछवाहा राजवंश की जो आराध्य देवी थी जयपुर में कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी थी शिला देवी। जैन माता आपको पता ही है सीकर में है हर्ष के पहाड़ियों पर। जोधपुर राजस्थान राजपरिवार की कुल देवी है नागनेची जी या नागनेची माता चामुंडा देवी। जोधपुर राजपरिवार की कुल देवी नागनेची माता या चामुंडा देवी। करणी माता जो है करणी माता बीकानेर में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्न में से राजस्थान के विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं जाम्बोजी। राजस्थान के मुंडियार की ख्याति में किसका वर्णन है? मारवाड़ के राठौड़ शासकों का। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है मारवाड़ के राठौड़ शासकों का जो वर्णन है वो कौन सी ख्याति में है, कौन सी ख्यात में है? राजस्थान में मुंडियार की ख्याति में या ख्यात में जो है इनका वर्णन है मारवाड़ के राठौड़ों का शासकों का। नेक्स्ट है राजस्थान में दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते थे गुरु द्वारा मार्गदर्शन। राजस्थान में दादू जो थे दादू संत दादू ये मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक क्या समझते थे? गुरु द्वारा मार्गदर्शन। राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कौन से लेख में ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका पहले भी डिस्कस कर लिया हमने। राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है देखते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा गोसुंडी का विलेख है, गोसुंडी लेख में जो है राजस्थान में प्राचीनतम वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है। राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए? विश्नोई। राजस्थान में मुंडियार की ख्याति कैसे है? तो मारवाड़ के राठौड़ शासकों का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जाम्बोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है